चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं, संदीप नायक, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 343 है और संदीप को एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ है और संदीप उड़ीसा से हैं। तो संदीप, सबसे पहले आपको रैंक और एनआईटी वारंगल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो संदीप, आपकी ये बहुत अच्छी रैंक आई है, आपने घर पर रह के ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, तो मैं चाहूंगा कि हर बच्चा, क्योंकि ये सेशन बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि ये सेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ चेंज करते हैं। आप उड़ीसा से हो, तो कब आपने सोचा कि आपको एनआईटी से एमसीए, मतलब एमसीए के लिए कब सोचा, फिर एनआईटी के लिए, फिर किस ढंग से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर जो ऑनलाइन कोर्स आपने पढ़ाई करी उससे क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या क्या चैलेंजेस आए, मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक सक्सेस स्टोरी जरूर बताएं, क्योंकि बच्चे वही सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम संदीप नायक, आई एम फ्रॉम ओडिशा। सर मेरी ये निमसेस की जर्नी स्टार्ट हुई, सर जब भी मैं भद्रक पटना कॉलेज में सर मेरा ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया निमसेस के बारे में। लेकिन उस टाइम में सर इतना सीरियस नहीं था निमसेस की, लेकिन मेरा माइंड में था कि एनआईटी जाना है सर, ऐसा कुछ मेरा माइंड में सर था। तो सर उसके बाद सर ऐसे ही मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे ही निकल गया, लेकिन सर जब थर्ड ईयर हुई तो कोविड की वजह से सर लॉकडाउन स्टार्ट हो गई सर, तो उसके बाद मैंने सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया सर निमसेट को लेकर। ठीक है सर, ऐसे ही सर मैं जब सर मैंने पहले पहले सर स्टार्ट किया था तो सेल्फ स्टडी सर कर रहा था, कभी कौन सी यूट्यूब चैनल से तो कभी रेंडम वेबसाइट से ऐसे सर पढ़ाई कर रहा था। तो सर कुछ महीना सर ऐसे ही चला, तो उसके बाद सर मेरा ट्रेंड थी शुभश्री आचार्य जिसने मुझे इम्पीटस गुरुकुल के बारे में बताया। तो सर उसने मुझे आपके एंड शिवम सर की नंबर दी एंड शिवम सर से मेरी बात हुई सर। okay. तो सर मैं उसी दिन ही सर मैं इम्पीटस गुरुकुल को सर ज्वाइन कर गया था। ठीक है। सर 4 बजे आपके सर सेशन थे सर, आपकी फर्स्ट क्लास अटेंड करने के बाद सर मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि निमसेस क्लियर हो सकती है सर मेरे से। बहुत अच्छी लगती आपकी फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी लगा था। तो सर ऐसे ही तो चला सर, जनवरी तक आपने जो डीपीटी दे रहे थे, सीडब्ल्यूपीटी दे रहे थे, वो सबको मैंने सॉल्व किया था। फिर ऐसे सर चला जनवरी तक। सर जनवरी में हमारा स्टार्ट हुई सर मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी हमारा, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छी थी। तो सर मेरा जब फर्स्ट मॉक स्टार्ट हुई थी सर, मेरे फर्स्ट मॉक में सर ज्यादा अच्छा नंबर नहीं आए थे, 250 के करीब आए थे। सर आपने एक सेशन लिया था, बोले थे कैसे पेपर सॉल्व करें, पेपर को कैसे एनालिसिस करें, इस बारे में सर आपने पूरी डिटेल्स बताए थे। तो सर उस सब छोटी से लेकर बड़ी आपकी सबकी सब बातों को मैंने फॉलो किया पढ़ाई से इम्प्लीमेंट किया सर। तो सर उसके बाद सर धीरे धीरे मेरा मॉक में धीरे धीरे सर मार्क आने लगे, अच्छे मार्क आने लगे। तो सर हमारा जो एग्जाम मई में होने वाला था सर डिले हो गया कोरोना की वजह से, अगस्त में हो गया। तो सर उस टाइम सर ऑनेस्टली सर बताऊंगा तो मैं जून उस टाइम थोड़ा पढ़ाई ढीला कर दिया था, थोड़ा सीरियसनेस कम हो गया था उस टाइम। तो सर प्रतीक सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। प्रतीक सर ने उस टाइम बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किए थे सर, बताया था कि पिछले साल बच्चे कैसे इस वजह से उनके सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जैसे बताए थे। तो सर मैंने फिर से जुलाई से मेरा अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया सीरियसली। तो सर ऐसे जुलाई अगस्त 2 महीने फिर से मैं सीरियसली पढ़ाई किया एंड सर निमसेट क्लियर हो गया सर। तो संदीप, आपकी स्टोरी काफी अच्छी है, पर एक जो आपने इंपॉर्टेंट बताई कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो भटक जाते हैं हम कई बार, कोई किस चैनल को फॉलो करें, सभी को फॉलो कर रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं, ये कंफ्यूजन रहता है। तो जब आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली तो फिर आपकी लाइफ में क्या एकदम से चेंज आ गया कि आपका फिर फोकस हो गया पूरा, है ना? जी सर, एकदम से फोकस हो गया एंट्रेंस पर। ओके, तो संदीप आप, हाँ बोलिए बोलिए। यूट्यूब से अलग 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 चैनल पे सर कोई सर बोलते थे ये करो वो करो, वो पेपर सॉल्व करो, वो आरडी शर्मा कर लो सब हो जाएगा, ऐसे सर बता रहे थे। लेकिन सर जब कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो प्रॉपर गाइडेंस मिल गया कि कैसे कैसे क्या चीज करना है, ये सब सर मिला। ठीक है। अच्छा संदीप, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या आपके सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट क्या रोल था या आपकी सक्सेस की क्या थी, तो आप अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज दोगे? मेरा सर आज सक्सेस जहां भी है जो भी कुछ है,
सर मैं पूरी क्रेडिट सर अपने पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड सर पूरी इंपीटस टीम को देना चाहता हूँ सर, इन सब की वजह से मैं आज मुझे सक्सेस मिला है। तो सर जूनियर को मेरा यही मैसेज रहेगा जी, तो सौरभ सर जो भी आपको बोल रहे हैं सारे छोटे से लेकर बड़े तो हर एक बात को आप फॉलो करो स्ट्रिक्टली एंड अपनी पढ़ाई भी इम्प्लीमेंट करो सर। जो भी सेशन लेंगे या तुम्हारा जूम मीटिंग पे जूम मीटिंग होगा तो ये सबको आप सीरियसली लो एंड सर को क्लास सर की क्लास कभी भी मिस मत करना एंड सर के बात मानो, तुम्हारा इजीली एनसीएस क्लियर हो जाएगा सर। सर तुम्हारे साथ एग्जाम की लास्ट तक रहेंगे तो टेंशन कोई लेने का कोई चीज नहीं है इसमें। तो वेरी गुड संदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप एनआईटी वारंगल में भी ऐसी बेस्ट परफॉर्म करिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।